आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं हमसे। काशिफ भाई मेरे सबसे बड़े भाई, वो क्या सोच रहे होंगे कि इस मुश्किल वक्त में उनकी इकलौती बहन उनसे मिलने नहीं आई। अपने भाई की तुम्हें इतनी फिक्र है और जो मेरी बहन के साथ उम्र कर रहा है उसका जरा ख्याल नहीं है। हमसा वो हकीकत क्या है हम कुछ नहीं जानते। और आपको क्या लगता है अगर उमर भाई ने सच में ऐसा किया होता तो क्या नेहा खामोश बैठती और बाबा के उमर भाई को घर से निकाल देने के बाद भी वहीं टिकती? मेरी बात सुनो तुम, ये मेरी बहन की शराफत है कि अभी तक वहां पे रह रही है। मेरी बहन के अलावा कोई और लड़की भी होती ना तो 2 मिनट भी वहां ना टिकती, अपने मेके आ जाती वापस। सर इतना मासूम तब कोई भी नहीं होता है ना। बाबा की जायदाद में उमर भाई का जितना भी हिस्सा है उस पे अब नेहा का ही हक है। वो क्यों इस घर में आने की गलती करेगी? तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी बहन लालची है इसलिए वहां पे बैठी हुई है। हमजा कोई भी अकलमंद शख्स यही करेगा जो इस वक्त नेहा कर रही है। इसलिए आप भी अपनी बहन से कुछ सीखें। सबसे बनाकर रखने के बजाय आप क्यों दूसरों के मसलों में पड़ के अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं? चलो मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर ले जाऊंगा। आज अम्मी अब्बू गए हुए नेहा से मिलने के लिए, आते हैं तो कल चले गए। ऑफिस ना जाके मैं शायद अपना नुकसान कर रहा हूँ। Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AIY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.